नमस्कार सभी, आपका स्वागत है। अभी 13 जनवरी को एक बहुत विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरे देश से 2 अप्रैल को शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो काम देश के सरकारों का है, जो काम बहुजन समाज के नेताओं का है, वो काम कर रहे हैं बीआर बौजी। आज हमारे साथ हैं बीआर बौजी। बीआर बौजी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस मुहिम में आगे आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर, एक बात बताइए, 13 तारीख का कार्यक्रम है, इसकी क्या क्या रूपरेखा है और क्या क्या इस कार्यक्रम में किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो 13 तारीख के जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, ये जो आज़ाद भारत में जो 2 अप्रैल को 2018 में जो एक पूरे देश में अम्बेडकरवाद की एक झलक दिखाई दी थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गई थी, उस प्रदर्शन में जो कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, परंतु कुछ उस प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों ने घुस के उसको एक हिंसात्मक रूप दिया, जिसमें हमारे 13 भीम सैनिक शहीद हुए हैं। पहले उसमें एज स्पॉट हमारे 11 भीम सैनिक शहीद हुए थे, फिर 2 भीम सैनिक इलाज के दौरान शहीद हुए हैं, तो 13 भीम सैनिक उसमें शहीद हुए हैं। उनकी शहादत के लिए ये एक 13 जनवरी का कार्यक्रम रखा गया है। उन सभी की प्रतिमा बनाई गई है, आधुनिक प्रतिमा है, उन सभी के गाँव में वो स्थापित की जाएंगी, ताकि आने वाले नौजवानों को एक प्रेरणा मिले और ये एक समझ रहे कि आज़ाद भारत में इस देश का जो वंचित वर्ग था, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक संघर्ष किया, जो संघर्ष करने के लिए सरकार ने उनको मजबूर किया। क्योंकि यदि सरकार यदि इस बात के लिए चिंतित रहती कि सरकार ने अगर उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं करती, तो शायद समाज को मजबूर होकर रोड पर नहीं आना पड़ता। इसलिए समाज को रोड पर आना पड़ा, जिस बीच 13 भीम सैनिकों की शहादत हुई, उनकी शहादत के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। 13 जनवरी का ये कार्यक्रम है और बहुत विशाल कार्यक्रम है, और ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है, रामलीला मैदान के अंदर। कहते हैं जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, इस समाज के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और पूरा घर उनके बिना नहीं चल पाता था। आज उनके घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनका घर में रखरखाव करने वाला नहीं है। तो बहुजन समाज के लोगों की ड्यूटी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस कार्यक्रम में आए और इसका हिस्सा बने। हमारी तरफ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के सभी बहुजन समाज से सबके सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों से अपील करूँगा कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना हर तरह का सहयोग देकर अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वाह करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।